हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो क्विक एनर्जी चेक है और मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर अकेले में आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत जनरल है और ये आप सभी के लिए है। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, लेकिन मैं चेक ये करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे। ठीक है, फ़ीस मेरी बहुत कम है, मैं एक दो क्वेश्चन के लिए नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग में लेती हूँ। ठीक है, और जो अमाउंट आपको दिखेगा वो बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, कहीं भी आप और ट्राई करेंगे तो फुल रीडिंग इन पैसों में नहीं मिलेगी। और मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, मेरा वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अब्रॉड हैं आप तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग चाहिए। ठीक है, 7 डेज़ की वेटिंग चल रही है, बट मैं अभी बुकिंग ले रही हूँ। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर अकेले में मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचते हैं, अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। अकेले में मेरे व्यूअर के लिए इनके पार्टनर क्या सोचते हैं। ऑलराइट, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए, ये जो कार्ड है वो याद करने का होता है, तो मैं सबसे पहले इस कार्ड को याद कर रही थी। ठीक है, कि ये ज़रूर आएगा। और देखिए, एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। और देखते हैं अकेले में क्या सोचते हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए। ऑल राइट, किंग ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पे वो अकेले में आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रांगली एरीज है। ठीक है, एरीज आपके उनकी राशि हो सकती है, लियो कोई हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जनरल रीडिंग में सारे साइन आ जाते हैं आपका। इनका बर्थ अप्रैल में हुआ लगता है और अगस्त में हुआ लगता है। ठीक है, जुलाई में अगस्त में हुआ लगता है। ठीक है, और आपके लिए 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा 8 नंबर और 4 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जी हाँ, 4 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, इनकी मेन एनर्जी ये वाली कार्ड है, ये वाला जो बॉटम वाला कार्ड होता है, इनकी मेन एनर्जी बता रहा है। तो जब अकेले में होते हैं तो ये देखिए, जैसे कोई आपको बहुत प्रेशियस समझता है। ठीक है, ये लवर्स का कार्ड भी हम ले लेते हैं इसके साथ। जैसे कि मतलब चॉइसेस हैं इनके पास, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हो सकता है मैरिड भी हैं, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और ये काफ़ी मैच्योर इंसान है, जिनसे आप डील कर रहे हैं ना वो 40 के अबाव या 40 के अराउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसमें इनके पास चॉइसेस हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। लवर्स का कार्ड जब आता है तो प्यार को बताता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को बताता है, और बहुत ज़्यादा आपके प्रति लगाव। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके मन में रहती है। जब ये अकेले होते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं। एक्चुअली ये जो कार्ड है, ये मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको बहुत प्रेशियस समझता है और उसकी वजह से उस प्यार को याद करता है। ठीक है, प्रेशियस हो आप इनकी ज़िंदगी में, एक बहुमूल्य चीज़ हो, और डेफिनेटली इनके जीवन में आप एक जैसे कि उजाला लेके आए हो। जैसे कि हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल, ये क्विक एनर्जी चेक है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एनीवेज तो छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम पैसा करते हैं। ठीक है, और जब पैसे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि मन खुश रहता है और हमको लगता है कि पैसा हमारे पास से दोबारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसी ही एनर्जी मतलब आपकी है। आप एक जैसे पैसे किसी को बहुत अट्रैक्ट करता है, उसी तरह आप इनकी लाइफ में एक बहुत मतलब बहुत ही प्रेशियस चीज़ हो, बहुत वैल्यूएबल हो, और आप उनको बहुत संभाल के रखते हैं आपको। ठीक है, तो आपके बारे में इनको सोचना है, आपको ही सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, और बहुत इनका मतलब जैसे प्यार
जाग जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग टेलीपैथी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत मतलब स्ट्रांग है, यानी कि प्रॉब्लम कुछ भी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आपके पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी और आपके साथ में फोर्थ पार्टी हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोचते हैं आपको जब अकेले होते हैं, आप इनको लगता है कि आपको कहीं ट्रैवलिंग करवाएं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं, ठीक है। इनका मन करता है कि आपके साथ मतलब बहुत हिम्मत और ताकत रख के वो सब कुछ करें जो कि इनकी डिज़ायर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना फ्लर्ट करना ये सब चीज़ें इसमें शामिल है, लेकिन ये आपके साथ ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप में है तो डेफिनेटली ये आपसे मिलने आना चाहते हैं और आपको भी कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी की एनर्जी बताऊँ तो ये अकेले में क्या सोचते हैं, तो देखिए दिन बहुत सुहाना है, बारिश का मौसम है, ये ज़रूर आपको लॉन्ग ड्राइव पर कहीं घुमाना ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत पैशनेट है, एक्चुअली ये किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, एम्परर की एनर्जी आई है, ये फायर एनर्जी वाले जो जैसे एरीज लियो सेजिटेरियस में आपके जो पार्टनर है फायर एनर्जी वाले, जैसे कि आप यहाँ स्ट्रांगली आप दोनों या तो फायर एनर्जी वाले हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक फायर एनर्जी का है, तो ये बहुत स्ट्रांगली इनके अंदर फायर उमड़ पड़ती है जब ये आपके बारे में अकेले में सोचते हैं, ठीक है। फायर का मतलब जानते हैं आग, ठीक है। तो एक जैसे कि ये तन बदन में इनके मतलब संश्लेषण होने लगता है, आपको याद करते हैं टेलीपैथिकली, अगर आप एक दूसरे को याद करते हैं तो वाकई में इनको आपकी फीलिंग आती है, ठीक है, कि आप आसपास ही हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में कोई गलती कर दी, और पास्ट में गलती क्या हो सकती है, या तो इनकी मैरिज हैप्पी नहीं है, हैप्पी मैरिज में नहीं है, या फिर कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि टूटा है, ठीक है। एम्परर जो होता है बहुत ज़िद्दी इंसान होता है, ठीक है, ये लेकिन ज़िद्दी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल भी बहुत होता है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी बता रहे हैं आपके पार्टनर की कि मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये शादीशुदा हैं तो आपको मिस करते हैं, और इनको याद आता है कि अगर आपसे शादी होती तो क्या होता, ठीक है, क्या माहौल होता, क्या मैं इस एनर्जी में जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, ये इमोशनली बहुत सेटिस्फाई नहीं है। फैमिली होने के बावजूद भी इनको अकेलापन फील होता है, ये जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन जिम्मेदारी के बदले इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके कोई अथॉरिटी पोस्ट पे भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी है इनको थोड़ा सा अकेलापन फील होता है। तो ये जब आपके बारे में सोचते हैं अकेले में तो यही सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में पहले आते, ये जो पछतावे का कार्ड होता है, एक्चुअली कोई किसी को मिस करके पछता रहा है, तो जब आप इनकी ज़िंदगी में आए और इनको जब खुशी मिली तो इनको यही याद आता है अकेले में कि अगर आप इनके लाइफ में अगर वाकई में आते, इनके परिवार के हिस्सा बनते, इनके बच्चों के मतलब पेरेंट्स के या फिर गार्जियन बनते तो कैसे माहौल होता, क्या माहौल होता, इनकी खुशियां दुगनी तिगनी हो जाती। इवन ये कई बार ये भी सोचते हैं कि आप जैसा पार्टनर अगर इनकी फैमिली को हैंडल करता तो वाकई में एक जैसे सोने पे सुहागा होता, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेस्टीज इनकी है वो दुगनी तिगनी बढ़ा देते, क्योंकि एक जैसे कि आप अगर लेडी हैं तो एक मदर ही होती है जो कि अपने बच्चों को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने घर को मेंटेन करती है, ठीक है। फादर जो होते हैं वो सिर्फ मेरी थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है ज़रूर बताइएगा। फादर हमेशा बच्चों को केयर करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो बातें जो माँ सिखाती है वो एक अलग बात होती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको एक मदर फिगर के रूप में देखते हैं कि आप एक परफेक्ट मदर बन सकती हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो फादर बन सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कुछ भी हो आप उस तरह से देखिएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे ये सोचते हैं अकेले में, और ये अकेले में बहुत पैशनेट होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि एक हिम्मत और ताकत पाके ये आपके लिए कुछ करें, ठीक है। इनकी इच्छा होती है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इनकी इच्छा होती है कि आपके साथ दिन रात रात दिन आपके साथ शादी हो जाए इनकी, आपके साथ घर बच्चे बाल बच्चों के रूप में देखें, आप इनका परिवार आपका परिवार बहुत घुल मिल जाए, इस तरह से ये देखते हैं। इवन ये ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बारे में सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि क्या आपके परिवार वाले इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या घर वाले मानेंगे इसके लिए, क्या मैं क्या चीज़ ऐसी करूं जिससे कि आपका कनेक्शन बहुत आगे तक बढ़े, ठीक है। ये इनके दिमाग में चलता रहता है। और ये देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई मतलब वाकई में आपसे सेटल लाइफ देखता है, ठीक है। तो ये अकेले में होते हैं तो बहुत ऐसा सोचते हैं कि आपके घर वाले इनके घर वाले अगर एक साथ होते तो क्या होता, इनके घर में अगर आप होते हो तो क्या होता, ठीक है। कुछ नज़ारा ही अलग होता, इनके रात दिन बदल जाते, रातें तो बहुत सुहानी होती हैं, दिल भी बहुत सुहाने होते हैं। आई नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपसे मिलने की सोच रहे हैं,
यहाँ पे अकेले में आपकी मीटिंग हो जाए, आपकी आपके लिए कुछ करें, आपको और जानने की इच्छा है, यानी कि बहुत कुछ तो ये जानते हैं और ये कभी खोने से भी डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खोने से, आप नाराज़ हो जाओगे, इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो क्या रहेगा, ठीक है, ये चला रहे हैं ज़िंदगी, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ खुशी वाला माहौल आता है तो वो आपसे आता है, जब भी मुस्कुराते हैं तो वो आपकी आपकी यादें होती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, जब अकेले रहते हैं तो बहुत आपको जैसे कोई सीने से लगा के बैठा है उस तरह से बैठते हैं। और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है या तो कोई गाना सुनते होंगे आपको याद करते करते, या फिर इनको बहुत बहुत गहरी नींद आ जाती होगी, क्योंकि ये पीसफुल टाइम होता है जब हम किसी के साथ रहते हैं, ऐसे इंसान को याद करते हैं जब वो हमारी मेमोरीज़ में 24 घंटे रहता है, लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो बहुत पीसफुल महसूस होता है। आप भी याद अपने करीबी को याद करके देखिए, जिसको कि आप गले लगाना चाहते हैं, अपने मन के पास बैठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फटाक से नींद आएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी है जो कि मेरे को, मुझे भी फील हो रही है आई थिंक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और आपको यादें, आपकी यादें और आपको याद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते और लास्ट में इनको नींद आती है तो बहुत बहुत मतलब गहरी नींद आती है, पीसफुल जिसे कहते हैं ना, पीसफुल आपको याद करने के बाद इनको बहुत रिलैक्स मिलता है और एक जैसे कि वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है। इनके दिमाग में सब चीज़ें दिन भर की जो होती ना उथल पुथल, उससे इनको मतलब जैसे रिलैक्स मिल गया, पीसफुल टाइम होता है वो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर को देख रही हूँ और मुझे आज गाना क्लिक हुआ है गाइज, आप भी सुनिएगा, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और एवरग्रीन सॉन्ग में से वन ऑफ है, ठीक है, एक है एवरग्रीन सॉन्ग्स में से, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है, और आप भी बताइएगा कि आपके ये फेवरेट सॉन्ग है। तो सुनिए, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, हाय दीवाना हुआ बादल। वाओ, बारिश का है, मेरे यहाँ पे बहुत तेज बारिश आई है रिसेंट, ठीक है, और बस मौसम इतना खुशनुमा है, आई डोंट एक्सप्लेन इट, मतलब इतना खुशनुमा है कि मैं अभी छत पे जाने वाली हूँ बस इसको रिकॉर्ड करके आपको भेज के, ठीक है। तो आप भी इन्जॉय कीजिए इस बारिश के मौसम को और ये गाना ज़रूर सुनिए, ठीक है। इसी के साथ बस आज तक के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।